राम, मैं राजीव कुमार सिंह दरभंगा जिला की तमाम छोटी बड़ी खबरें को एक साथ समेटे खबरें दिन भर में आपका स्वागत करता हूँ। सबसे पहले आज की हेडलाइंस। ठाकुर स्वर्णकार समाज कल्याण समिति के तत्वाधान में सुंदरपुर स्वर्णकार टोला दरभंगा में असहाय लोगों के बीच किया गया नाश्ता वितरण। जिला प्रशासन दरभंगा कोविड-19 हेल्प ग्रुप के तत्वाधान में गरीब एवं असहाय लोगों के बीच भोजन वितरण किया गया। दरभंगा शहर के नवयुवक ने आपस में पैसा जमा कर लगातार भूखे एवं असहाय लोगों को करवा रहा है खाना मुहैया। दरभंगा जीआरपी एवं आरपीएफ के संयुक्त तत्वाधान में लगातार 9वें दिन भी गरीब एवं असहाय लोगों को खिलाया गया भोजन। जन चेतना अभियान और आंदोलन परिवार के तत्वाधान में आवारा पशुओं को खाना मुहैया करवाने का किया जा रहा है लगातार काम। दरभंगा जिला प्रशासन की ओर से लगातार लॉकडाउन पर किया जा रहा है लोगों को जागरूक करने का काम। माननीय प्रधानमंत्री द्वारा दीप जलाने को लेकर किया गया था आह्वान, दरभंगा वासियों ने दीप जलाकर कोरोना वायरस के प्रति दिखाई एकजुटता। अब देखिए दिन भर की तमाम छोटी बड़ी खबरें विस्तार से। ठाकुर स्वर्णकार समाज कल्याण समिति के तत्वाधान में आज सुंदरपुर स्वर्णकार टोला दरभंगा में कल्याण समिति के पूर्व अध्यक्ष वीरेंद्र ठाकुर के कुशल नेतृत्व में वैसे लोग जिन्हें लॉकडाउन की वजह से खाने पीने के लिए दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है उन्हें कल्याण समिति की ओर से नाश्ता का प्रबंध करवाया गया। वहीं इस नेक कार्य में मोहन कुमार ठाकुर, महात्मा जी, श्री शंभू ठाकुर, श्री सुरेंद्र ठाकुर, श्री राजेश ठाकुर समेत समिति के अनेकों कार्यकर्ता मौजूद रहे। इन कार्यों के बीच समिति की ओर से लोगों के बीच सामाजिक दूरी का भी पूरा ख्याल रखा गया। कोरोना वायरस के संक्रमण को रोकने हेतु केंद्र सरकार ने पूरे देश भर में लॉकडाउन का आह्वान किया है। इसमें गरीब लोगों को खाना दुर्लभ हो गया है क्योंकि वो डेली कमाने खाने वाले मजदूर खाएंगे तो खाएंगे कहाँ से। ऐसे में जिला प्रशासन ने पहले ही बताया था कि एक भी आदमी को भूखा नहीं सोने देंगे। ऐसे में जिला प्रशासन दरभंगा कोविड-19 हेल्प ग्रुप के द्वारा जिलाधिकारी के आदेशानुसार शहरों में घूम घूम कर भूखे लोगों को खाना खिलाने का काम किया गया। अच्छी बात ये रही कि ये ग्रुप सोशल डिस्टेंसिंग का भी पूरा ख्याल रखते हुए लोगों के बीच खाना परोसते हैं। हमें डीएम साहब की तरफ से खिला रहा है प्रशासन की तरफ से। अभी ये हम एक ग्रुप हम लोग का जो निकला हुआ है जो दरभंगा तरफ निकला हुआ है एक ग्रुप में हम लोग जब यहाँ खिलाएंगे दोनार में उसके बाद आरबी मौर्य जो 2-3 पेशेंट है फंसा हुआ है उसको खिलाएंगे। उसके बाद रैन बसेरा चल जाएंगे। रैन बसेरा के बाद फिर खाजा सराय जाएंगे वहाँ जो खाना खिलाएंगे। खाजा सराय के बाद फिर करमगंज खिलाएंगे। करमगंज के बाद फिर कोरिया अस्पताल 500 आदमी तो हो ही जाता है लगभग दोनों टीम मिला के यही 12 से लेकर 2 बजे तक और शाम में जो है 8 बजे से स्टार्ट होता है। क्या नाम है? इस प्रसाद। क्या है आप? रोटी बैंक कार्यकारिणी सदस्य। दिवाकालीन सह छात्रावास युक्त दिल्ली पब्लिक स्कूल कादिराबाद दरभंगा 2006 से निरंतर मिथिलांचल की हृदय स्थली में स्थापित दिल्ली पब्लिक स्कूल कादिराबाद दरभंगा नवीनतम तकनीकों एवं उपेक्षित मानव मूल्यों से युक्त संस्कारवान शिक्षा के प्रतिबद्ध आप लोगों को यह सुविधा उपलब्ध करवाने में सक्षम है। हम अपने छात्रों को पूर्ण व्यक्तित्व विकास और यथा योग्य मंच हासिल करने में सहयोग कर सके। हमारी सुविधाएं दक्ष एवं कुशल विभिन्न प्रांतों के शिक्षक एवं शिक्षिकाएं दरभंगा राज परिवार की समीपत से उत्पन्न शांत एवं प्रदूषण रहित वातावरण 2011-12 से स्मार्ट क्लासेस का उद्यम प्रयोग भौतिक रसायन शास्त्र जीव विज्ञान कंप्यूटर विज्ञान की प्रयोगशालाएं सह प्रयोग प्रवेक्षक छात्र छात्राओं की हीन ग्रंथियों एवं सशक्त स्वास्थ्य निर्माण में उपयोगी मार्शल आर्ट एवं कराटे ताइक्वांडो का उम्दा प्रशिक्षण विद्यालय परिसर की भाषा इंग्लिश हम चांद दिखाते नहीं रास्ता बताते हैं वातानुकूलित छात्रावास एक बार आकर स्कूल को देखें और हमें सेवा करने का मौका जरूर दें। केंद्र सरकार द्वारा कोरोना वायरस महामारी के संक्रमण को देखते हुए पूरे देश में 24 दिनों के लिए लॉकडाउन की घोषणा कर दिया गया है।
ऐसे में दैनिक कामगार मजदूरों को खाने के लाले पड़े हुए हैं। ऐसे में अनेकों सामाजिक संस्थान अपने स्तर से सामने आकर इनके लिए कार्य कर रही है। इसी बीच हमारे संवाददाता राजू सिंह को एक नवयुवक का ग्रुप मिला जो लगातार अपने घर से खाना बनाकर घूम घूम कर लगभग पिछले 5 दिनों से असहाय लोगों का पेट भरने का काम कर रही है। देखिए हमारे संवाददाता का ये रिपोर्ट। हम लोग अपने तरफ से ग्रुप की तरफ से मानवता की तरफ से दरभंगा स्टेशन पे आज 5वां दिन है जो हम लोग दरभंगा में पूरा घूम घूम के खाना खिला रहे हैं। हम लोग लहरिया सराय स्टेशन से होते हुए दरभंगा स्टेशन, कुंवर होम, नाग मंदिर, आपको लहरिया सराय सब तरफ से खाना डेली खिलाते आ रहे हैं। यहाँ पे जो जरूरतमंद है उनको हम लोग खाना खिला रहे हैं। जिनको जो भी समस्या हो वो बताएं, हम लोग उनको दूर करने का कोशिश कर रहे हैं और हम लोग लगे हुए हैं निरंतर। और हम लोग जब तक ये लॉकडाउन चलेगा तब तक हम लोग ऐसे ही काम करते रहेंगे। तो 250 आदमी डेली खिला रहे हैं, 10 आदमी हैं, 5 आदमी का ग्रुप है। वो हम लोग घर पे इकट्ठा करके घर में खुद बनाते हैं, खुद से पैक करते हैं और यहाँ पे इन लोगों को खिलाते हैं। हम विकास, मेरा नाम हो गया विकास कुमार, हमारे साथ अविनाश कुमार है, अंकित सिंह है, रोहित राज है, अभिषेक सिन्हा है, अंकित राज है और आपको हमारे यही सब ग्रुप हैं। कोरोना वायरस के चलते देश में लॉकडाउन के बीच चिकित्सकों के साथ पुलिस भी दिन रात मुस्तैदी से अपनी ड्यूटी पर तैनात है। रेलवे पुलिस की दरिया दिली ये रही कि बेसहारा और गरीब लोगों की मदद के लिए खाने पीने की व्यवस्था के लिए पुलिस दिन रात लगी रहती है, कहीं कोई भूखा ना सो पाए। यही आलम है कि लॉकडाउन के बाद 28 तारीख से दरभंगा RPF GRP मिलकर भूखे, खासकर जो दिन में कमाते थे और खाते थे, उनके लिए मसीहा साबित हो रही है। आज तकरीबन सैकड़ों लोगों को खाना खिलवाया गया। दरभंगा RPF थाना अध्यक्ष सुनील कुमार द्विवेदी ने कहा कि मानवता के हिसाब से दुख की घड़ी में एक मानव यदि दूसरे मानव के काम नहीं आया तो वह मानव नहीं है। हम लोग रोज प्रयास करते हैं कि कोई भी भूखा ना रह पाए। ये प्रयास जब तक लॉकडाउन जारी रहेगा तब तक ये हमारा मुहिम चलता रहेगा। दरभंगा स्टेशन पे 28 मार्च के बाद लगातार आसपास के वैसे लोग जो अपने आप में सक्षम नहीं हैं, उन्हें खाना खिलाने का प्रयास किया जा रहा है। ये एक छोटी सी पहल है RPF के द्वारा, जिसमें GRP का पूर्ण सहयोग दिया जा रहा है ताकि वैसे लोग जो अपने सक्षम नहीं हैं, दिहाड़ी मजदूरी करते हैं, जिनके पास भविष्य के लिए कोई बचत नहीं थी, तो वैसे लोगों को प्रयास किया जा रहा है कि कम से कम भूखे न रहने दिया जाए। मतलब मानवता को ध्यान में रखते हुए ऐसा किया जा रहा है। और हम और लोगों से भी अपील करते हैं कि अपनी ओर से एक छोटी सी सहयोग जो है इस समाज को, समाज में वैसे लोगों के लिए जो गरीब हैं या जिनके पास अपना साधन नहीं है, वैसे लोगों को सहयोग करें। जिसमें जन चेतना अभियान और आंदोलन की ओर से सुजीत कुमार चौधरी क्रूरता, अन्याय, भ्रष्टाचार विरुद्ध मानवता के लिए कार्यरत स्वयंसेवक लगातार दरभंगा के आवारा पशुओं को खाना खिलाने का काम कर रहे हैं। आज भी सड़कों पर जानवरों के बीच खिचड़ी, दूध एवं चारा खिलाने का उन्होंने काम किया। इसके साथ साथ उन्होंने लोगों से अपील किया कि आपके घर के आसपास जो भी भूखे आवारा जानवर है उसे रोज खाना खिलाने का काम करें। पक्षियों के लिए भी आप अपने घर के बाहर बालकोनी में या छत पे कुछ दाना डाल दें ताकि उसका भी पेट भरता रहे। इस लॉकडाउन की वजह से गरीब आदमियों के साथ साथ पशु पक्षियों के लिए भी विकट स्थिति उत्पन्न हो गया है, क्योंकि मानव को तो किसी तरह मानव मदद कर रहे हैं लेकिन इन्हें देखने वाले कोई नहीं है। लेकिन सुजीत कुमार चौधरी जी लगातार इन जानवरों के लिए घूम घूम कर काम कर रहे हैं। क्या आप महंगी एवं केमिकल रहित सर्फ उपयोग करके परेशान हो गए हैं? आपका सर्फ कहीं आपके लिए या आपके कपड़े के लिए हानिकारक तो नहीं है? या फिर आप अपने मशीन और घरेलू उपयोग में अलग अलग सर्फ का उपयोग करते हैं? इन सभी बातों पर गहरा शोध करने के बाद आपके बीच पेश है वेलोकैम डिटर्जेंट पाउडर, जो कि 125 ग्राम, 500 ग्राम एवं 1 kg के पैक में मौजूद है। इसके अलावा वेलोकैम टॉयलेट क्लीनर, कमला दर्शन अगरबत्ती 3 फ्लेवर के साथ साथ देव डिटर्जेंट केक, देव डिस्क बार एवं वेलोकैम फिनाइल मौजूद है। एक बार आप उपयोग में जरूर लाएं और हमें सेवा का मौका दें।
इसके अलावे हमें डिस्ट्रीब्यूटर एवं स्टॉकिस्ट की आवश्यकता बिहार एवं झारखंड के लिए है। अधिक जानकारी के लिए आप हमारे कस्टमर केयर नंबर 9708567445 पर संपर्क करें। स्वास्थ्य मंत्रालय के संयुक्त सचिव लव अग्रवाल ने मीडिया से बात करते हुए कहा था कि शनिवार को एक दिन में कोरोना के 601 नए मामले सामने आए हैं। देश भर में अभी तक इस महामारी से 2902 पॉजिटिव केस सामने आए हुए हैं। 68 लोगों की मौत हुई है, 183 मरीज ठीक हुए हैं। उन्होंने कहा कि हमारी रिपोर्ट के अनुसार ज़्यादातर उम्र या फिर अन्य बीमारियों से मौत की वजह रही है। कोरोना के 42% मरीज 21 से 40 आयु वर्ग के हैं। लव अग्रवाल ने कहा कि कोरोना से लड़ने में सरकार के कदम सफल साबित हो रहे हैं, यदि थोड़ी सी भी चूक हुई तो हालात बिगड़े जाएंगे, इसीलिए सतर्कता जरूरी है। ऐसे में दरभंगा जिले में प्रशासन पूरी तरह चुस्त दुरुस्त दिख रही है। जगह जगह पे प्रशासन लोगों को जागरूक करने का काम कर रही है, लेकिन कुछ लोग अभी भी रोड पे बेवजह घूमते हुए नजर आ रहे हैं, जिन्हें प्रशासन अपने स्तर से जागरूक करने का भी पूरा कार्य कर रही है। वहीं हमारे संवाददाता ने शहरों में घूम घूम कर लॉकडाउन का जायजा लिया। साथ ही शाम को 6 बजे के बाद उन्होंने जाके दुकान को भी देखा, क्योंकि जिला प्रशासन के अनुसार 6 बजे के बाद कोई भी सब्जी या राशन का दुकान खुली नहीं रहेगी। देखिए हमारे संवाददाता का ये रिपोर्ट, क्योंकि इस लॉकडाउन पर उन्होंने पुलिस कर्मियों के साथ साथ दरभंगा के बहुत सारे गणमान्य लोगों से भी बात करके जानकारी इकट्ठा की। पुलिस अधीक्षक महोदय के आदेश का सख्ती से पालन कराया जा रहा है और इस समय CIT जो है पूरी तरह से 24 घंटा तत्काल सेवा में लगी हुई है। दरभंगा टावर पर है और कोई भी असामाजिक तत्व या ऐसे कोई पेशेंट या किसी तरह का कोई मिलता है संदिग्ध व्यक्ति, उसको तुरंत पकड़ करके सीधा हॉस्पिटल पहुंचाने का काम करते हैं। RK भानु, CIT इंस्पेक्टर। उनका जैसे पूरा दरभंगा पालन किया जा रहा है, उसी तरह यहाँ भी पालन किया जा रहा है। आम पब्लिक इसेंशियल जरूरी के सामान खरीदने के लिए निकल रहा है, जनरल नहीं निकल रहा है। दुकान बंद है, देखिए आप सामने देख लीजिए, फल दुकान आपके सामने है, लेफ्ट राइट दोनों साइड देख लीजिए, टोटल दुकान बंद है। शर्मा कोतवाली रुपये दे। भारतीय जनता पार्टी लॉकडाउन में गरीब असहाय के बीच जो है राहत सामग्री हम लोग बांट रहे हैं और पूरे देश में लॉकडाउन का पालन हो रहा है, हम लोग भी पालन कर रहे हैं। चूँकि हम लोग को पार्टी के द्वारा निर्देश है राहत वितरण में, इसलिए निकले हैं घर से। हम लोग भी लॉकडाउन में ही हैं, क्योंकि समाज सेवा से बड़ा कोई सेवा नहीं होता है। जनहित के काम में हम लोग निकले हैं और समस्त दरभंगा लॉकडाउन है। हमारे पुलिस के पदाधिकारी, हमारे डॉक्टर, सफाई कर्मी, मीडिया के बंधु दिन रात एक करके लॉकडाउन का पालन करवा रहे हैं। अमन झुनझुनवाला, भाजपा नगर अध्यक्ष। संपूर्ण भारत में मोदी जी के आह्वान पर लॉकडाउन लगा हुआ है, उसमें भी हमारे दरभंगा में भी जो है और लॉकडाउन का पालन हमारा पूरा भारतवासी, पूरा दरभंगावासी कर रहा है। और मोदी जी का जब जब जो आह्वान होता है उस आह्वान में हम लोग उनके बातों को मानते हैं। साथ आज जो है आह्वान है कि 9 बजे से लेके और 9:09 तक अपने घर के आगे दीप जलाएंगे, हम लोग उनके समर्थन में हैं। हम लोग अपने घर के आगे दीप जलाएंगे और नरेंद्र मोदी का जैसा आह्वान होगा हम लोग उस आह्वान को पालन करेंगे। मैं हरिशंकर गुप्ता। लॉकडाउन कोरोना महामारी से बचने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर पूरे देश में 14 अप्रैल तक लागू है, लेकिन जिस दिन लॉकडाउन की घोषणा हुई थी उस दिन भारत में 3 बीमारी 3 मौतें हुई थी और लगातार कोरोना वायरस के लॉकडाउन के दौरान लगातार कोरोना वायरस संक्रमितों की संख्या बढ़ रही है और मरने वालों की भी संख्या बढ़ रही है, कंट्रोल हो नहीं पा रहा है और आम जनता भी तबाह है इस लॉकडाउन में, जिसका परिणाम है कि 100% कोरोना संक्रमण पर प्रतिबंध नहीं लग पा रहा है। आज प्रधानमंत्री ने मोमबत्ती जलाने का आह्वान किया, मोमबत्ती जलाने से कोरोना प्रकोप कम हो जाएगा, ऐसा कोई ये सब अंधविश्वासी है
और सच्चाई यही है कि आज भाजपा का स्थापना दिवस है, इसलिए नरेंद्र मोदी ने कोरोना को बहाना बना करके देशवासियों से मोमबत्ती जलाने का आह्वान किया है। आरके दत्ता, हम जिलाध्यक्ष दरभंगा। डिसेंट सनशाइन एकेडमी, ए यूनिट ऑफ द रुद्रा फाउंडेशन, क्लासेस PG-8, रजमान चौक से पश्चिम, धीरामपुर दरभंगा, भारत सरकार द्वारा पूर्णतः मान्यता प्राप्त। हमारी व्यवस्थाएं आधुनिक उपकरणों से सुसज्जित एवं स्वच्छ वातावरण, पूर्णतः CBSE पाठ्यक्रम, स्मार्ट कक्षा पर विशेष ध्यान, सुरक्षा एवं उच्च शैक्षणिक व्यवस्था, बच्चों की शुरुआती और विकास पर विशेष ध्यान, समय समय पर बच्चों के व्यवहार एवं विकास की ओर विशेष सलाह परामर्श, कंप्यूटर शिक्षा एवं प्रयोगशाला, यातायात की सुविधा, 24/7 उच्च स्तरीय कैमरा, डे बोर्डिंग की व्यवस्था, सहायिका एवं गार्ड की व्यवस्था। इसके साथ साथ 10+2 के युवाओं के लिए कंप्यूटर शिक्षा कोर्स सहित BSEB और CBSE बोर्ड में पढ़ रहे बच्चों के लिए कोचिंग की उच्चतम व्यवस्था। एक बार हमारे यहाँ अवश्य पधारे और सेवा का मौका जरूर दें। 2020-21 सेशन के लिए रजिस्ट्रेशन ओपन और एडमिशन फ्री। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को लोगों से अपील की थी कि हर देशवासी 5 अप्रैल को रात 9 बजे अपने घरों की बालकोनी में खड़े रहकर मोमबत्ती, दिया, टॉर्च या मोबाइल की फ्लैश लाइट जलाएं। इस दौरान लोग अपने घरों की बिजली बंद रखेंगे। पीएम ने देशवासियों के लिए अपने वीडियो संदेश में इस दौरान लोगों से सामाजिक दूरी को बनाए रखने की भी अपील की थी। इसके साथ साथ मुख्यमंत्री ने भी दीप जलाने को लेकर अपील किया था कि संपूर्ण बिहारवासी से अपील है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर रविवार को रात 9 बजे सभी लोग अपने घरों की बत्तियां बंद करके दरवाजे या बालकोनी में 9 मिनट तक दीप मोमबत्ती, टॉर्च या मोमबत्ती की फ्लैश लाइट जलाकर कोरोना महामारी के संक्रमण से बचाव में अपने संघर्ष में एकजुटता प्रदर्शित करें। इससे हमारी दृढ़ इच्छा शक्ति और मजबूत होगी और हमारा आत्मबल बढ़ेगा, और दरभंगा जिला में ऐसा होते हुए भी देखा। देखिए हमारा ये रिपोर्ट। दीप इसलिए जलाएं कि मोदी जी के आह्वान में मोदी जी बोले हैं कि दीप जलाइए, सारे घर का बत्ती बुता करके कोरोना को भगाइए। आपने मीना देवी, दरभंगा रेलवे स्टेशन। मैं राहुल, नाका नंबर 2, दरभंगा। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर कोरोना वायरस के कारण 9 बजे रात में 9:09 तक जलाने का जो आह्वान किए थे उनका अनुसरण करते हुए हम लोगों ने 9 दीपक का जलाए हैं। नाम राहुल। अपने घर के बाहर राष्ट्र के नाम पर दीप जलेलो हैं और मोदी जी के आह्वान चलन हैं। पूरे देशवासी, पूरे दुनिया में मोदी जी के नाम पर अखन दीप जलाएल जा रहा है। और आज जो कोरोना के महामारी से हम सब पूरे देशवासी जो जूझ रहा छी, ओहि के लेल हमरा सबके आह्वान कयल गेल प्रधानमंत्री के द्वारा कि सब गोटा एक बेर राष्ट्र के नाम एक दिया, तो हम सब एक दिया के जगह पर 151 दिया जलेलहुँ हैं कि जे काल भागै से अखन तुरंत भाग जाए कोरोना आ देश मुक्त भ जाए कोरोना से। आ पूरा भारतवासी, मिथिलावासी के तरफ से हम सब भगवान से प्रार्थना एतबा करै छी कि महामारी से हम सब दूर होय, एहि संकट से, एहि विपद से उबार होय। माँ श्यामा से कामना करै छियनि, हे श्यामा माई सब पूरा देश के, पूरा मिथिलावासी के सबके रक्षा करू एहि कोरोना से। मीना झा, भाजपा महिला मोर्चा प्रदेश मंत्री। हम लोगों को माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि 9 बजे 9 मिनट के लिए आप लोग सारे लाइट बुता करके और दीप जलाइए, मोमबत्ती जलाइए या फिर मोबाइल का फ्लैश लाइट जलाइए। उनके बात को रखते हुए हमने लोगों ने जो है सारे समाज के लोगों ने जो है एक बुक होकर के और लाइट को जलाया और हम लोग बहुत बात का समर्थन कर रहे हैं। ब्रिजभूषण पूर्वे, किस मोहल्ला में है? कैदराबाद, नाका नंबर 2। दरभंगा जिला की तमाम खबरें को एक साथ समेटे कल रात फिर मिलेंगे आपसे। तब तक के लिए गुड नाइट, शुभ रात्रि।